भावपूर्ण गानों को गाते समय मोहम्मद रफी अक्सर भावनाओं में बह जाते थे। और यही कारण है कि उन गानों को सुनकर सुनने वाले भी भावनाओं में डूब जाते थे। नफरत की दुनिया को छोड़ के, ऐसे कई गीत हैं जिनको गाते समय रफी साहब रोने लगते थे। मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में। इस वीडियो में अत्यंत ही भावुक कर देने वाले देशभक्ति गीत के बनने की कहानी बताने जा रही हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग के समय मोहम्मद रफी उस गाने को गाने वाले मन्ना डे के गले मिलकर रो पड़े थे। यही नहीं, मन्ना डे और उस समय स्टूडियो में मौजूद बाकी लोग भी रोने लगे थे। कौन सा वह गाना है और क्या है उस गाने के बनने की कहानी, इस वीडियो में आपको पूरा बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब और मन्ना डे ऐसे भावुक हो गए कि वे दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और गले मिलकर रोने लगे। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे बलराज साहनी और धर्मेंद्र। ये फिल्म उन जांबाज सैनिकों की कहानी है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ाई लड़ी और अपने जान को बलिदान कर दिया। ये फिल्म भारत चीन युद्ध के 2 साल बाद रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना का संचार किया था। फिल्म हकीकत की कामयाबी में इसके गीत और संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये गीत लोगों के दिलों पर छा गए और आज भी जब हम गीतों को सुनते हैं तो हमारे दिल में देशभक्ति का जज्बा भर जाता है। इन गीतों के फिल्मांकन को पर्दे पर देखकर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। फिल्म हकीकत के गीतों को मशहूर शायर कैफी आजमी ने लिखा था। इन गीतों को संगीतबद्ध मदन मोहन ने किया था। मदन मोहन जी को तो गजलों का राजकुमार कहा जाता था। रफी साहब और लता जी उनके फेवरेट सिंगर थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने रफी साहब और लता जी के अलावा मन्ना डे, भूपिंदर सिंह और तलत जैसे दिग्गजों से भी गाने गवाए। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया। हकीकत में हर मूड के गाने थे, लेकिन रफी साहब की ये खूबी थी कि वे भावुक गानों को बहुत डूब कर गाते थे। वो इन गानों में ऐसे डूब जाते थे कि सुनने वाले का भी कलेजा घायल हो जाता था। ज्यादातर गानों में रफी साहब का खुद पर कंट्रोल रहता था, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ अलग हो रहा था। हर तरफ मुझको, तो फिल्म में जिस हालात में ये गाना बजता है उसमें सैनिकों की टुकड़ी लगभग निराश हो चुकी होती है। उन्हें चीन के जबरदस्त आक्रमण के कारण पीछे हटना पड़ता है और अपने आला अफसरों से उनका संपर्क बिगड़ जाता है। उनके परिवार और अफसर भी उन्हें शहीद मान लेते हैं। इस परिस्थिति में सैनिकों की टुकड़ी कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही होती है और सैनिक वहाँ अपने परिवार को याद करके रोते हैं। सर न कांधे से। जब रफी साहब और मन्ना डे को इस गाने के रिहर्सल पर बुलाया गया तो उन्हें बताया गया कि ये गाना किस परिस्थिति में फिल्म में आएगा। इसके बाद गीतकार कैफी आजमी ने उन्हें इसके बोल सुनाए और मदन मोहन जी ने धुन बजाकर सुनाई। इस गीत की धुन और गीत के बोल सुनकर रफी साहब और उनके साथ मौजूद मन्ना डे भावुक हो गए। दोनों को भावुक देखकर संगीतकार मदन मोहन ने पूछा कि क्या हुआ, अगर आप कम्फर्टेबल नहीं है
हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन रफी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसके बोल दिल को इस तरह से छू रहे हैं कि खुद पर काबू ही नहीं रहा। ये गाना बहुत से कलाकारों पर फिल्माया गया था, इसलिए इसमें कई पूर्व गायकों को रखा गया था जिनमें भूपिंदर सिंह भी थे। भूपिंदर सिंह इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे और उन्होंने इस गाने की कुछ लाइनें भी गाई थी। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रफी साहब, मन्ना डे, भूपिंदर सिंह और तलत जैसे कई दिग्गजों के साथ साथ खुद संगीतकार मदन मोहन जी भी मौजूद थे। जैसे ही साजिंदों ने तान छेड़ी और रिकॉर्डिस्ट ने इशारा किया, वैसे ही सब गायकों ने अपना अपना पार्ट गाना शुरू कर दिया। गीत की रिकॉर्डिंग बहुत लंबी चलती है और कई बार टेक लेने होते हैं। गायक और संगीतकार बेस्ट से बेस्ट टेक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन सारे गायक इतने दुखी थे कि रिकॉर्डिंग कई बार रोकनी पड़ी। और जब रिकॉर्डिंग फाइनल हो गई तो रफी साहब और मन्ना डे रिकॉर्डिंग रूम से आते ही एक दूसरे के गले लग गए और उनके आंसू निकलने लगे। दोनों महान गायकों को इस हालात में देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को भी रोना आ गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको ये गाना कैसा लगता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।